नमस्कार दोस्तों, आप सबका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ फिर हाजिर हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो एक निश्चित है, जो परमात्मा के साथ हमारी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है। कहते हैं ना कि हर चीज समय के अकॉर्डिंग मिलता है और समय के साथ ही होता है। तो हमारा आज का विषय है कि आपकी मृत्यु होगी कहां और कब होगी। तो ये बहुत संयोग की बात है जो परमात्मा के माध्यम से हमारे जीवन की एक कला है वो चलती है। कुछ अंश है हमारे जो हमारे हाथों में चिन्हित हो जाते हैं, हमें संकेत दे देते हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटने वाली है। तो आइए अपने हाथों पर देखते हैं वो संकेत क्या कहता है। सबसे पहले अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा जैसे कि हमारे जीवन में होने वाले एक एक घटना का संकेत देती है, इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा है। हम किसी विचारों में कितने गहरों में जाते हैं या कुछ हमारा विचार कितने गहराइयों से काम करता है उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से यह हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा हम किससे कब किस समय कितना हमारा प्रेम संबंध है हम उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जब भी मृत्यु की बात आती है, मन की बात आती है, तो सबसे पहले हम अपने चंद्रमा को क्षेत्र को देखते हैं। ये चंद्रमा का पर्वत है, चंद्रमा का पर्वत। कहते हैं ना, विचारों की घड़ी है, समय की घड़ी है। हमारा मन कितना खुश होता है, कितना दुख में होता है, दुख की स्थितियों को जाहिर करता है। कई बार हम इसी दुख की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, मन के अंदर इतना उदासी आ जाती है, अपनी इस जीवन लीला को समाप्त करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। और कहीं ना कहीं इस लीला को समाप्त करने की मन में एक विचार आता है कि जो चंद्रमा है, कहते ना अधिपत्य है मन का कार, मन का अधिकार है इसके ऊपर। तो यहां पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमारे हाथ की रेखाओं में चिन्हित होता है। जो सबसे पहले होता है ये पर्वत जो हो चंद्रमा का, ये दबाव, और इसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो, ये क्रॉस का चिन्ह। ऐसे लोग अपने लाइफ को घबरा कर वो कोशिश करते हैं जीवन लीला को समाप्त करने के लिए। उनके ख्याल जो आते हैं, नेगेटिविटी आते हैं कि ये जीवन कुछ भी नहीं रहा, और उसका कारण कई भी होता है। जैसे कि यहां पर हम ये तिल भी देखते हैं, ये तिल हो, तिल कहीं भी हस्तरेखा में बहुत शुभ प्रभाव नहीं होता है, हमेशा ये नेगेटिव फल की ही बात होती है। और इसी प्रकार से जैसे कि हम जीवन की समाप्ति की बात करते हैं, तो कुछ हमारा ये पर्वत है, इसको हम मंगल का पर्वत बोलते हैं। ये मंगल का पर्वत, मंगल का पर्वत हमें उत्साहित करता है, हमें आवेग भरता है, गुस्से का भाव भरता है, लड़ाई झगड़े का भाव भरता है। और ये हाथ में दो पर्वत है, मंगल का दो स्थान दिया गया है। आदमी उग्र का रूप धारण करता है और अपने जीवन में लड़ाई झगड़ा करने के किसी न किसी माध्यम से
वो अपने आवेग को खो बैठता है और मन की स्थिति को समझ नहीं पाता, कंट्रोल नहीं हो पाती है। जैसे कि जब भी मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाता, हमारी बुद्धि का विचार जो है मन की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, हम एक और पर्वत है, ये बुद्ध का पर्वत है। यह हमारी ये जो बुद्ध की फिंगर है, ये बहुत ज्यादा छोटी ना हो, छोटी हो, ये बुद्ध की फिंगर छोटी हो, हम ज्यादा आगे की दूर की बातें नहीं सोच पाते हैं। मन हमारा चिंतित रहता है, हमारा स्वभाव जो होता है ना, मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं आवेग भर देता है। बुद्धि जो हमारी होती है, हमारे विचारों के हिसाब से हम उतनी अच्छी बातें नहीं सोच पाते हैं, ये बुद्धि की एक्टिविटी को बताती है। अगर हमारे अंदर ज्ञान की बातें नहीं है या हमारे अंदर समझदारी की बातें नहीं, तो आदमी छोटी सी बात को लेके घबरा जाता है, मन में एक संशय हो जाता है कि जीवन लीला समाप्त कर रही है, उसके मन में एक ही विचार आता है बार बार, जैसे मंगल का लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा और दूसरा मंगल ये उग्र का भी काम करता है, और ये थॉट उसकी जो पैदा करता है वो चंद्रमा के ही पर्वत के ऊपर होती है। अब ऐसे लोग जब अपने जीवन लीला की समाप्त करने की बात करते हैं, तो वो जीवन अपने घर से दूर करते हैं या अपने जन्म स्थान के पास करते हैं, उस स्थिति का भी संकेत हमारी जीवन रेखा बताती है। जैसे कई बार जीवन रेखा की रेखाएं टूट जाए, बीच में खंडित हो जाए, या उस पर दीप बन जाए, ये दीप का निशान होता है। वैसे तो बीमारी का संकेत होता है, लेकिन जीवन को तोड़ने का काम, अगर दोनों हाथ के रेखाओं में आपकी जीवन रेखा टूटी है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी मृत्यु का संकेत बताती है। जब भी हाथ की रेखाएं टूटी, ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाए आदमी के दोनों हाथों में, अगर ऐसा होता है तो जीवन लीला समाप्त होने की बात होती है। लेकिन अगर यही जीवन रेखा लास्ट वाले पोर पर, जैसे हमारी जीवन लीला यहां से शुरू हुई है, हमारा बचपना जब हमारी जन्म का समय बताती है हमारी जीवन रेखा, तो हम यहां से प्रारंभ की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं, यह हमारी आखिरी पड़ाव, जीवन का आखिरी पड़ाव हमारा यहां पे हमारी जीवन रेखा बताती है। और ये दो भागों में बढ़ जाए तो ये निश्चित समझ लेना चाहिए कि जो आपकी मृत्यु का संकेत है वो घर से दूर होगी, आपके जन्म स्थल पर नहीं होगी, और इन रेखाओं से आभास होता है कि आपकी मृत्यु कब हो रही है, तो इसका एज भी कैलकुलेशन हम करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और इसी तरह से नई नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।